हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपसे CSIR यानी NML में निकली हुई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जिसमें यह वैकेंसी काउंसलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर में निकली हुई है। यह वैकेंसी शमशेदपुर में निकाली गई है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम इस वैकेंसी के बारे में आपको सारी डिटेल समझाते हैं। तो दोस्तों, इस वैकेंसी की कंपनी का नाम है NML एंड इसमें टोटल 49 वैकेंसीज निकाली गई हैं। बात करें इसमें क्वालिफिकेशन एजुकेशन की, तो इसमें BE, BTech एंड डिप्लोमा के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें एक्सपीरियंस की मांगने की गई, तो इसमें फ्रेशर्स कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में जॉब की लोकेशन ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए रखी गई, यानी कि इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एंड इसमें इसकी जॉब लोकेशन ऑल इंडिया हो सकती है। दोस्तों, इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 3 दिसंबर 2020 की रखी गई है। दोस्तों, इस वैकेंसी में नो ग्रेड एंड नो नेट की रिक्वायरमेंट बताई गई है एंड इसमें नो एग्ज़ाम एंड नो फीस भी है, यानी कि दोस्तों आपको इसमें कोई भी अप्लीकेशन फ़ी नहीं देना पड़ेगा और ना ही इसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी ब्रांच एलिजिबल की, तो इसमें BE BTech के लिए मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, नैनो साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ETC के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें डिप्लोमा के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, मल्टीमीडिया, ग्लास ब्लोइंग, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, केमिकल आदि के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें कितनी तरह के पोस्ट निकाली गई हैं और इसमें इनकी कितनी सैलरी एंड कितनी एज लिमिट रखी गई है। तो दोस्तों, इसमें पहली पोस्ट है साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, जिसमें उनकी 18,000 सैलरी रखी गई है और इनकी एज लिमिट मैक्सिमम 50 साल की रखी गई है। दोस्तों इसमें दूसरी पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, तो इसमें उनकी सैलरी 20,000 एंड एज लिमिट 50 साल रखी गई है। इसमें तीसरी वैकेंसी है दोस्तों प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड फर्स्ट की, तो इनकी सैलरी मैक्सिमम 31 साल एंड मिनिमम 25,000 की रखी गई है दोस्तों, और इनकी एज लिमिट 35 साल की रखी गई है। दोस्तों, इसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट की सेकेंड वैकेंसी है, जिसमें से इनकी मिनिमम सैलरी 28,000 एंड मैक्सिमम 35,000 की रखी गई है और इनकी भी एज लिमिट मैक्सिमम 35 साल की रखी गई है। दोस्तों इसमें छठवीं वैकेंसी है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की, जिसमें से इनकी सैलरी 42,000 रखी गई है दोस्तों और इनकी मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल की रखी गई है। इसमें अब सातवीं वैकेंसी है दोस्तों प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की, जिसमें से इनकी मंथली सैलरी 56,000 रखी गई है दोस्तों एंड इनकी एज लिमिट 35 ईयर रखी गई है। दोस्तों, इसमें वैकेंसी है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सेकंड की, तो इसमें इनकी सैलरी मंथली 67,000 रखी गई है और इनकी एज लिमिट 40 साल की रखी गई है। दोस्तों इसमें नौवीं वैकेंसी है प्रोजेक्ट JRF की, जिसमें से इनकी मंथली सैलरी 31,000 रखी गई है और इनकी एज लिमिट मैक्सिमम 28 साल की रखी गई है। दोस्तों, इसमें दसवीं वैकेंसी है प्रोजेक्ट SRF की, जिनकी मंथली सैलरी 35,000 है और इनकी एज लिमिट 32 साल की रखी गई है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनकी रिलैक्सेबल एज की, तो इसमें ST, SC, OBC, PWD के कैंडिडेट एंड वुमेंस कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर की रिलैक्सेबल एज रखी गई है। दोस्तों, इसमें आपका डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाएगा, जो कि हिंदी मीडियम में लिया जाएगा एंड आपको इंटरव्यू का डेट एंड टाइम आपके ईमेल आईडी पे मैसेज कर दिया जाएगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस फॉर्म को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।